जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वंदे भारत ट्रेन को लेकर बड़ा अपडेट। श्री राम भक्तों को मिलेगा वंदे भारत ट्रेन का तोहफा। अयोध्या के लिए जल्दी ही शुरू होगी वंदे भारत ट्रेन। तो आज के वीडियो में हम इसी खबर पर बात करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे नए वीडियो देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत में सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत को लेकर यात्रियों में क्रेज काफी ज्यादा बढ़ रहा है। केंद्र सरकार तेजी से अलग अलग राज्यों में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन शुरू कर रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में एक वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। उससे पहले भोपाल और राजस्थान में भी वंदे भारत का संचालन शुरू किया गया है, और अब कुछ दिनों के बाद हावड़ा से पुरी और पटना से रांची वंदे भारत शुरू होने वाली है। पिछले वीडियो में हमने इन दोनों ट्रेन को लेकर बात की थी, आप चाहे तो आई बटन पर देख सकते हैं। लेकिन इसी बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर एक और बड़ा अपडेट आ रहा है, जिसे सुनकर सभी राम भक्तों को बहुत खुशी होगी। खबर है कि भक्तों की बड़ी संख्या को देखते हुए अयोध्या के लिए वंदे भारत चलाने की योजना शुरू की जा रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत होने से लाखों दर्शनार्थियों को लाभ होगा और यात्रा में उनका समय बचेगा। इसके अलावा जिस रूट पर ये वंदे भारत दौड़ेगी उसे राम वन गमन पथ नाम दिया गया है। अयोध्या के लिए जो वंदे भारत चलाई जाएगी उसे चित्रकूट से प्रयागराज और प्रयागराज से अयोध्या होते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए चलाया जाएगा। बता दें कि अयोध्या से पहले भी कई मंदिर वाले शहरों को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए जोड़ा जा चुका है। नई दिल्ली कटरा वंदे भारत के जरिए माता वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन करने वाले यात्रियों को काफी सुविधा होती है। हाल ही में तिरुपति बालाजी के लिए भी वंदे भारत ट्रेन का संचालन शुरू किया गया है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए वाराणसी भी वंदे भारत ट्रेन से जुड़ा है। इसके अलावा शिरडी और शोलापुर वंदे भारत से भी कई मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए हावड़ा पुरी रूट पर भी जल्द ही वंदे भारत शुरू होने वाली है। इसके अलावा केंद्र सरकार सभी बड़े मंदिरों को जल्दी ही वंदे भारत ट्रेन से जोड़ने जा रही है, जिनमें महाकाल मंदिर उज्जैन मध्य प्रदेश, सोमनाथ और द्वारका मंदिर गुजरात, कामाख्या मंदिर असम प्रमुख है। केंद्र सरकार वंदे भारत ट्रेन को आध्यात्म और मंदिर टूरिज्म से जोड़ रही है, जिससे यात्रियों को बड़ा फायदा होगा। अगर रेलवे से जुड़ी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को सोशल मीडिया में जरूर शेयर करें। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।